मुंबई के किंग सर्कल के गांधी मार्केट के षणमुखानंद हॉल में बिहार फाउंडेशन मुंबई द्वारा बिहार दिवस उत्सव 2018 का रंगारंग कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, सह अध्यक्ष बिहार फाउंडेशन की विशेष मौजूदगी रही। तो वही दूसरी ओर कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मुंबई में रहने वाले बिहारी महाराष्ट्रियन बिहारी हैं। तो दूसरी ओर इस कार्यक्रम में बिहार की एक दिव्यांग बेटी के द्वारा बनाई गई विशेष पेंटिंग को मौजूद दोनों मुख्यमंत्रियों ने खूब सराहा। तो आइए सुनते हैं इस दौरान मौजूद दोनों मुख्यमंत्री और बीजेपी बिहार प्रकोष्ठ के मुंबई अध्यक्ष विशाल भगत ने क्या कुछ कहा। कि बिहार फाउंडेशन के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में आदरणीय सुशील मोदी जी ने मुझे निमंत्रित किया। उनका मुझे फोन आया और उन्होंने कहा कि हमारा फाउंडेशन है और देश के अलग अलग भागों में इसकी शाखाएं हैं और मुंबई में हम लोग इस प्रकार का कार्यक्रम कर रहे हैं। मेरी इच्छा है कि आप कुछ समय के लिए उसमें आए। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों से मिलने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा और इससे आप लोगों के दर्शन देने के लिए मैं यहां पर आया हूं। मैं तो ये मानता हूं कि मुंबई की महानता यह है कि देश के किसी भी राज्य से आए हुए किसी भी भाषा को बोलने वाले, किसी भी जाति मजहब को मानने वाले ऐसे हर व्यक्ति को इस मुंबई ने अपनाया है, उसे पनाह दी है, उसे बड़ा होने का मौका दिया है। और मुंबई इसीलिए बड़ा हुआ है कि यहां पर आने वाले एक एक व्यक्ति ने अपनी मेहनत से छोटा सा क्यों ना हो अपना एक रुतबा बनाया है, अपनी मेहनत से कोई ना कोई मुंबई के इस प्रवाह में विकास में भूमिका निभाई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि आप सभी लोग जो आज मुंबई में बसते हैं, ये मुंबई एक छोटे भारत की तस्वीर है और मैं ऐसा मानता हूं कि इसी के कारण मुंबई को हम ग्लोबल सिटी कहते हैं, वैश्विक शहर कहते हैं। पंकज त्रिपाठी जी, इंतजामी बर्मान जी, डॉक्टर कुमार जी, रंजीत कुमार जी और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में बिहार के स्थापना दिवस पर उपस्थित बिहार और बिहार से जुड़े गए मित्रों, बहनों और भाइयों, मित्रों मुझे बड़ी खुशी है कि 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। बिहार के लोग को ये याद भी नहीं था कि बिहार की स्थापना कब हुई। जब नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, हम लोग साथ ही आए, हम लोग बिहार दिवस मनाना कर रहे हैं। अब से बैठे सभी लोगों को बताना चाहूंगे कि बिहार, उड़ीसा और झारखंड, बंगाल एक साथ था और 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा झारखंड से अलग हुए। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। और आज जो बिहार है, जिसका सभी लोग नागरिक हैं और वहाँ के रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों का मैं अपनी ओर से और बिहार सरकार की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। प्रधानमंत्री जी, ये बिहार के लोग बड़े बहुत मेहनती लोग हैं, बड़े जीवन के लोग हैं और रोजी रोटी की तलाश में कहीं भी जा सकते हैं। और किसी ने कहा कि अगर चांद पर भी नौकरी निकल चांद पर भी अगर नौकरी की वैकेंसी निकल जाए तो बिहार के लोग चांद पर भी जा सकते हैं। और आज हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, चाहे
जहाँ ग्लेशियर है वो वैसा इलाका हो, हर जगह बिहार के लोग आपको दिखाई पड़ जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी एक ही बात करते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए बाहर जाना कोई गुनाह नहीं है। गुजरात के लोग भी जाते हैं इंग्लैंड और दूर दराज के देशों में, पंजाब के लोग कनाडा में भरे हुए हैं, लेकिन दो दूर की रोटी कमाने के लिए बाहर जाना ये शर्म है। और कम से कम जब से हम लोगों की सरकार आई है बिहार में, अब कोई दो दूर की रोटी कमाने के लिए बाहर नहीं जाता है, बाकी ज्यादा कमाने के लिए कोई भी बाहर जा सकता है। बिहार के लोगों की बड़ी खासियत है, ये जहां जाते हैं वहां घुल मिल जाते हैं। जैसे चाय में अगर शक्कर डाल दिया जाए तो कुछ देर के बाद ये पता नहीं चलता कि शक्कर कहाँ है और दूध के अंदर घुल मिल जाती है। ये बिहार के लोग, बिहारी जहां जाते हैं दुनिया के अंदर स्थानीय लोगों के साथ इस तरह घुल मिल जाते हैं कि पहचान करना मुश्किल हो जाता है कि कौन भीतरी और कौन बाहरी है। उन्होंने विपक्ष लोग का पिक्चर क्लियर कर दिया है कि कोई भी समाज के हों अगर काम करने वाले हैं तो यहाँ पर खुल के काम कर सकते हैं, किसी प्रकार का किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भिवंडी की रहने वाली कंचन साहू डॉक्टर प्रदीप साहू की बेटी है और वो बाय बर्थ उनको प्रॉब्लम है, दिव्यांग है और वो गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट है, वो कहीं किसी से सीखी नहीं है और उन्होंने अभी तक कम से कम 60 पेंटिंग बनाई है और बिहार फाउंडेशन ने कहा है कि वो पेंटिंग को यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाने के लिए। मुंबई में ये जो बिहार का जो उत्सव है यहाँ पर, ये पैरेलल टू गवर्नमेंट का बिहार फाउंडेशन संस्था है जिसके माध्यम से जितने भी संस्था थे सबको बुलाया गया है और हमने प्रयास किया है कि जितने भी संस्था है वो एक मंच में आएं। और क्या है कि बिहार के यहाँ पर कम से कम 1500 संस्था है लेकिन एकजुट नहीं हो पाते हैं, तो बिहार फाउंडेशन का एक अच्छा प्रयास है। हमने प्रयास करके कोशिश किया कि भाई अच्छा से अच्छा लोग इकट्ठे हो सकें, अच्छे से संस्था के जुड़ सके लोग, और लोगों ने समय दिया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और इसी तरह अगर एकजुट होकर काम करेंगे तो निश्चित ही यहाँ पर मुंबई का बिहारियों का भविष्य बनेगा। आने वाले समय में किसी को जोड़ने के लिए क्या खास? युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि आज युवाओं जो है, युवा इसको बोल सकते हैं, वो सुपर पावर है हिंदुस्तान का और उनको सिर्फ तालीम की आवश्यकता है, उनको शिक्षित करना है, किसी भी समुदाय के हों उनको शिक्षित करने से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा।